अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग रावलपिंडी बोर्ड का चालान फॉर्म कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है या किसी भी पर्पस के लिए, तो लेट स्टार्ट और वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स, आप जब एजुकेशनल कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पे आपको कोई फीस जमा करानी होती है या कहीं अप्लाई करना होता है, तो जब आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा वो वीडियो आके दोबारा देख लिया करें कि उसके पिन कमेंट में क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे होती हैं जो कि यूट्यूबर एंड में पिन कमेंट में अपडेट कर देते हैं। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो कि आप लोग वीडियो देख के उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन ले लेते हो। तो अगर आपके पास अप्लाई करने के दिन हो तो आप लोग क्या किया करेंगे, जब किसी भी बंदे की वीडियोस देखते हैं तो वापस आके उसके एक दफ़ा पिन कमेंट पढ़ लिया करें। हो सकता है कि कोई अपडेट आ गई हो और आप गलती से कुछ और ना कर बैठे, मतलब फीस ज़्यादा या कम ना पे कर दें या अप्लाई करने में कोई मिस्टेक ना कर दें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों ने गूगल पे आना है, गूगल में आप लोगों ने लिख लेना है रावलपिंडी बोर्ड, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ये रावलपिंडी बोर्ड की जो वेबसाइट है, ठीक है, ये ओपन हो जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इससे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो रही है। अब इसमें से देखिए, हमारे पास जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट आ जाती है। इसमें ये लिखा हुआ है कि SSC मतलब इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है, दैट वुड बी अपलोडेड ऑन 14th of October 2021 at 5 PM, जो कि ऑलरेडी कल अपलोड हो चुका हुआ है। अब बारी है 10th वालों का रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा 16th October 2021 at 5 PM। नीचे लिखा हुआ है स्पेशल एग्जाम फॉर इंटरमीडिएट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 27/11/2021, और इसी तरह मैट्रिक वालों का जो एग्जाम होगा दैट वुड बी फ्रॉम 11/12/2021। इसके साथ तो हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बता चुका हूँ। और अगर आप लोगों को पंजाब बोर्ड के हवाले से कोई वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको पंजाब बोर्ड का प्ले लिस्ट मिलेगा, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। अब आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम लोग अपना चालान फॉर्म जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर पर लिखा हुआ है ऑनलाइन फी चालान, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना नाम लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम केमिस्ट, मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद गार्डियन में हम लोग, आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेरेंट का नाम लिख देना है, ठीक है, XYZ लिख दो। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है कि हम किस चीज़ के लिए ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं। अगर हम कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर एग्जामिनेशन फीस है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर कोई NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या कोई वेरिफिकेशन या कोई चीज़ डुप्लीकेट चाहिए आपको तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी जो हमारा मेन एम है ना, वो एग्जामिनेशन फीस है, इम्प्रूवमेंट की फ़ीस है। तो जो इम्प्रूवमेंट की फ़ीस है वो हमें यहाँ से मिलेगी, जहाँ पर एग्जामिनेशन है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अभी तक इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई चीज़ अपडेट नहीं की गई है। तो जैसे ही इम्प्रूवमेंट के हवाले से अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर अदर के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। अमाउंट में लिखें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फीस 100 रुपीज़ है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको 100 नहीं करना, ठीक है, ये ना हो कि आप लोग फिर मुझे कहेंगे सर आपने गलत बताया था। यहाँ पे पर्पस लिखने हैं, पर्पस में हम लोग इम्प्रूवमेंट लिख देते हैं, ठीक है। जैसे इंप्रूवमेंट लिखेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड चालान के ऊपर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड चालान के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो चालान फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, हमारा चालान फॉर्म जो है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। इसमें से देखिए हमारे पास 2 बैंक की कॉपीज़ हैं, ठीक है, ये बैंक कॉपी है। इसी तरह ये भी आपके पास क्या है, बैंक कॉपी है। उसके बाद थर्ड कॉपी जो दैट इज़ कैंडिडेट कॉपी, मतलब इसको आपने अपने पास रखना होगा, और ये आपके पास है बोर्ड कॉपी जो आपने बोर्ड में भिजवानी होगी। स्टूडेंट, इस तरह आप जो है अपना ऑनलाइन चालान फॉर्म जनरेट कर सकते हैं रावलपिंडी बोर्ड से। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक फीस जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई और रजिस्ट्रेशन के अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। जैसे रजिस्ट्रेशन के अनाउंसमेंट होगी वेबसाइट पे तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि हम कैसे जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपके साथ
टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।